रायबरेली में विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर रोटरी क्लब रायबरेली ने अमर उजाला फाउंडेशन के साथ मिलकर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रायबरेली जिला अस्पताल में हुए रक्तदान शिविर में रोटरी क्लब रायबरेली के लगभग एक दर्जन से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान करने के बाद रोटरी क्लब रायबरेली के अध्यक्ष अरविंद श्रीवास्तव ने कहा, हमारे द्वारा किया गया रक्तदान कई जिंदगियों को बचाता है। उन्होंने कहा, इस बात का एहसास लोगों को तब होता है जब हमारा कोई अपना खून के लिए जिंदगी और मौत के बीच जूझता है। रक्तदान शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र मौर्य ने रक्तदान करने वाले लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर अमर उजाला रायबरेली के ब्यूरो प्रमुख अशोक शर्मा, डॉक्टर सुजाता त्रिपाठी, डॉक्टर हेमा रानी गुप्ता, डॉक्टर दीपेंद्र सिंह ने कहा, अमर उजाला मीडिया ग्रुप और रोटरी क्लब मिलकर पूरे प्रदेश में रक्तदान को बढ़ावा दे रहे हैं, जो अत्यंत सराहनीय है। कार्यक्रम अधिकारी गोविंद खन्ना ने लोगों से अधिक रक्तदान करने का आह्वान किया। मैं अरविंद श्रीवास्तव, अध्यक्ष रोटरी क्लब रायबरेली। आज 14 जून है और 14 जून के दिन विश्व में रक्तदान दिवस मनाया जाता है। आज के दिन हमारे जो ब्लड ग्रुप की जो जिन्होंने खोज की है, ऐसे डॉक्टर कार्ल लैंडस्टीनर का जन्म आज के दिन 14 जून को 1868 को हुआ था। इनके जन्मदिन को पूरे विश्व में विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।